Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे अभी कुछ समय पहले इंडिया ने एक भारत एन कैप नाम से कार असेसमेंट प्रोग्राम न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एन कैप उसको लॉन्च किया था जिसमें जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो गाड़ियों की टेस्टिंग होती है उसकी स्टार रेटिंग्स होती हैं कुछ राइट कि ये गाड़ी इतने ये इतने स्टार रेटिंग मिले हैं इसको ये पांच में से इतने टेस्ट में पास हुई है तो वैसे ही ये जो टेस्टिंग है ये आपकी या तो अमेरिकन सिस्टम के ऊपर होती है या यूरोपियन सिस्टम है या आपका ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है हमारे पास तो इनके थ्रू हमारी टेस्टिंग होती है इंडिया का अपना टेस्टिंग सिस्टम नहीं था तो उसके बाद में इंडिया ने भारत एन कैप लॉन्च कर दिया इसके बाद में एक और अच्छी न्यूज है मतलब अच्छी न्यूज फॉर कंट्री एस्पायरेंट्स के लिए तो आपका सिलेबस ही बढ़ता है ना अच्छी न्यूज ये है बच्चे कि इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन रेफरेंस फ्यूल ऑल्सो पहले न्यूज देख लेते हैं छोटी सी कि लॉन्च हुआ है रिसेंटली आपका रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल गैसोलीन एंड डीजल गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल राइट आपका पेट्रोल और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है वो लॉन्च हुआ है क्या होता है रेफरेंस फ्यूल अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं तो एक बार मैं डिटेल भी आपको दिखा देता हूं वैसे कि ये वो फ्यूल होता है जो कि आपके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है दिस इज द्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल जो आप ले सकते हो इसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं है ना? जैसे ई हंड्रेड ई ट्वेंटी ई फिफ्टी राइट इसके सबके अलग अलग ग्रेड्स हैं राइट ये वो वाले फ्यूल्स हैं जो आपकी गाड़ियों में टेस्ट होते हैं जब वो जब आप तक पहुंचने से पहले जो टेस्टिंग होती है गाड़ियों की या फॉर दैट मैटर फ्यूल कहीं पे भी रिक्वायर्ड है जहां पे हाई लेवल ऑफ प्रोसीजन रिक्वायर्ड है हाई लेवल ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड है वहां वहां पे रेफरेंस फ्यूल जो है वो यूज होता है जस्ट आपको मैं एक छोटा सा एक ट्रिविया बताता हूं इसके अंदर कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपकी गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए रेफरेंस फ्यूल होता है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है इट इज अराउंड रुपीज एट फिफ्टी रुपीज आठ सौ पचास रुपए लीटर का पेट्रोल मिलता है उनको वो रेफरेंस फ्यूल के लिए क्योंकि प्योर होता है उसका ब्लेंड बिल्कुल ठीक होता है एकदम से तभी वो आपको एवरेज क्लेम कर पाएंगे ना कि जैसे आपको पता है कि मारुति है या कोई भी कंपनी है वो वहाँ पे उनकी गाड़ियों में क्लेम किया होता है कि जो एवरेज है वो 25.9 फाइव पॉइंट एम है किलोमीटर पर लीटर या फिर वो बताएंगे 24 है या कुछ कुछ गाड़ियाँ जैसे पहले आई एम फॉरगेटिंग द नेम अट्ठाईस उनतीस तक भी क्लेम किया है कि इतनी इतनी है इनकी एवरेज इतनी, इतनी इतनी आएंगी राइट right? वो क्यों इतनी आ पाती हैं उसका एक कारण आपका रेफरेंस फ्यूल भी है तो उस टेस्टिंग के लिए हमें एक आइडियल फ्यूल चाहिए जिसको रेफरेंस फ्यूल कहा जाता है ठीक है जी आइए फॉर टेस्टिंग पर्पसेस द फ्यूल हैज टू बी ऑफ अ हायर ग्रेड देन रेगुलर और प्रीमियम पेट्रोल एंड डीजल राइट क्या है ये दीज आर प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट यूज फॉर कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है यूज फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स बाय ऑटो ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑटो ओई

है ना आपका उसमें साथ में फ्लैश पॉइंट की भी आप कंट्रोल रखते हो रेफरेंस फ्यूल में उसकी विस्कोसिटी उसका सल्फर एंड वाटर कंटेंट हाइड्रोजन प्योरिटी एंड एसिड नंबर राइट ये सारी चीजें उसमें हाईली कंट्रोल्ड होती हैं आपके रेफरेंस फ्यूल के अंदर तो ये तो हुआ आपका रेफरेंस फ्यूल ठीक है जी <coughs> तो इंडिया ने इसको प्रोड्यूस uh, कर दिया है प्लस इट्स अ क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस विद द दमेंसमेंट ऑफ द रेफरेंस फ्यूल इन पेट्रोल एंड डीजल राइट डिफर कैसे करते हैं नॉर्मल फ्यूलर उससे इज दैट की जो रेगुलर फ्यूल है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो लगभग 87 होता है और जब से प्रीमियम फ्यूल होता इसको octane number है उसका जो ऑक्टेन ऑक्टेन नंबर नंबर है है दैट इज 91 अब क्या है octane number? इसको अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे वैसे आपको पता होगा जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा आपका बेटर या फिर एक्सप्लोजिव फ्यूल आपका होगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी आपके फ्यूल के अंदर राइट द ऑक्टेन नंबर इज दर्सेंटेज ये आपने थोड़ा सा याद रखना है परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मास नहीं है, नहीं है, है. तो पेपर में अगर आएगा चार ऑप्शन दे, दे देंगे वो वहां मिक्सचर ठीक है किसका? जी बेसिकली पूरे मिक्सचर के अंदर ऑक्टेन कितना है उसकी परसेंटेज है ये बस इतना अपने आसान भाषा में समझ लेना है और उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्टेन नंबर और उसी के बेस के ऊपर आप टेस्टिंग करते हो कि कैसे आपने कौन सा फ्यूल किधर यूज करना है आपके इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी राइट right, बच्चे अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी यह भी देखने वाली बात है नंबर वन तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी जो इंपोर्ट्स की कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी जो इसका रेफरेंस फ्यूल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 800 हंड्रेड टू एट फिफ्टी पर लीटर है ना अब इसको इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो देर इज अंग विच इज कॉल्ड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड थिंक अबाउट इट मनी सेव्ड इज मनी अर्नड तो आप जितना पैसा बचा रहे हो जो आपने इंपोर्ट में देना था वो आपकी बेसिकली टाइप ऑफ अर्निंग ही है क्योंकि आपने तो इस्तेमाल करना ही था राइट right? इसके अलावा ये क्रिटिकल है ऑटो इंडस्ट्री के लिए और अगर हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस चाह रहे हैं है ना और ये एक चीज क्रिटिकल है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं चलेगा तो ये हमें तो चाहिए तो वो भी है इसके अलावा ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बच्चे इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रेफरेंस फ्यूल बनाया किसने इट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने बनाया इसको राइट तो ये आपने देखना तो ये एक इनोवेशन की चीज है ये हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसके अंदर. इसके, in है, is, है, इसके अंदर अलावा इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा ये क्वेश्चन ले, ले और आपका प्रीलिम्स में आ जाए थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.